हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अल्टो K10 का, जो 2022 का न्यू मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये मोस्ट पॉपुलर कार है और काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली के लोग, इवन गांव शहर में हर जगह ये यूज़ करी जाती है और काफ़ी डिमांडेबल कार है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसमें आपको अभी रिसेंटली फेसलिफ्ट आपको देखने को मिला था। इसमें दोस्तों कलर की बात करें तो इसमें आपको सिजलिंग रेड, सिल्की सिल्वर, अर्थ गोल्ड एंड सॉलिड वाइट कलर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं इसके इंजन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों इसमें 998 cc का आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है। इसमें आपको CNG का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो अगर आप CNG कंसीडर करना चाहते हो तो CNG आप इसके लिए आप ले सकते हो। वहीं इसके वेरियंट की बात करें तो इसमें K10 का एक स्टैंडर्ड मॉडल मिल जाता है, एक LXi वेरियंट मिल जाता है, VXi मिल जाता है, VXi प्लस मिल जाता है, और VXi ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, और टॉप मॉडल टॉप द लाइन VXi प्लस ऑटोमेटिक आपको मॉडल मिल जाता है। वही बात करते हैं CNG के, तो CNG में केवल आपको VXi वेरिएंट में आपको CNG का ऑप्शन मिल जाता है, और ये भी आपको अगर आप ऑटोमेटिक बाय करना चाहो तो इसमें ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसमें K10 सीरीज का सी सीरीज का आपको इंजन मिल जाता है, जो कि 998 cc का है, और मैक्स पावर ये 55.92 bhp का प्रोड्यूस करता है। टॉर्क की बात करें तो 2 Nm का 3 सिलेंडर आपको इंजन मिल जाता है, ये भी 4 वॉल्व पर सिलेंडर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको वाई फ्यूल इंजन मिल जाता है, सीएनजी इंजन के साथ आपको 33.85 का ARI माइलेज मिल जाता है। बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो दोस्तों लेंथ जो इसकी है वो 3530 mm मिल जाती है, वही चौड़ाई की बात करता हूँ तो 1490 इसकी चौड़ाई हो जाती है। हाइट की बात करते हैं तो 1520 mm इसकी हाइट मिल जाती है, और व्हील बेस की बात करें तो 2380 mm इसका व्हील बेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही रहने वाला है। अब बात करते हैं इसमें कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस, इसमें पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, एयर कंडीशनिंग, हीटर, रिमोट ट्रंक ओपनर, रिमोट फ्यूल लिड ओपनर, लो फ्यूल वार्निंग एसेसरीज के साथ आपको और भी कई सारे एडिशनल फीचर आपको मिल जाते हैं। गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी साथ आपको मिल जाता है। इंटीरियर की बात करते हैं तो दोस्तों इंटीरियर में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, ऑडोमीटर आपको डिजिटल मिलता है। एक्सटीरियर में अगर आप चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इसमें आपको व्हील कवर्स मिलते हैं, आपको अलॉय व्हील आपको नहीं दिए जाते हैं, और हेलोजन लैंप्स के साथ आ जाती है। टायर का साइज बात करें तो 13 इंच का टायर मिल जाता है, जिसका प्रोफाइल है 145/80 टायर सेक्शन इसका। तो दोस्तों इसमें आपको जो स्पेयर व्हील मिलेगा वो भी 13 इंच का मिलने वाला है। अब सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें दोस्तों ABS, EVD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ड्राइवर एयरबैग और पैसेंजर एयरबैग टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मिल जाता है। और इसमें डोर अराउंड सीट बेल्ट वार्निंग, रियर सीट बेल्ट वार्निंग, एडजस्टेबल सीट, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, EVD जैसे मॉडर्न फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको फ्रंट स्पीकर, 2 स्पीकर आपको मिल जाते हैं, रेडियो को सपोर्ट करता रहेगा, इंटीग्रेट 2-in ऑडियो मिल जाता है, USB ऑक्सिलरी इनपुट के साथ मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाता है, नंबर ऑफ स्पीकर आपको 2 मिलते हैं, स्मार्ट डॉक आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ एडिशनल फीचर जो मैंने ऑलमोस्ट इसमें बता दिए हैं। दोस्तों आप इसको कंसीडर करना चाहो तो इसमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 मंथ की वेटिंग आपको ज़्यादा मिलेगी। इसके कुछ नेगेटिव की बात करते हैं तो दोस्तों नेगेटिव में मैं आपको बता दूँ कि इसका टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है CNG वेरिएंट, वो लगभग ऑन रोड आपको 6-6.5 लाख का पड़ता है जाके, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है इस छोटी सी गाड़ी के लिए। इस रेंज में आप इवन जो ब्रीजा का LXi मॉडल है वो भी आपको 8 लाख में ऑन रोड प्राइस मिल जाता है, तो ब्रीजा मच बेटर देन ऑल्टो रहने वाला है इसमें। तो ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक, अदरवाइज इंजन की परफॉर्मेंस, के सीरीज का इंजन है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है और बहुत ही ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट है। पुराने इंजन थोड़े से इनके मतलब कम पावरफुल थे, AC पावर 5-5 सवारी के साथ में थोड़ा सा आपको दिक्कत होने वाली होती थी, पर ये इंजन थोड़े से मॉडर्न इंजन है, इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलेगी। और मारुति सुजुकी के इंजन भी काफ़ी रिलायबल हैं, और सी सीरीज का इंजन K15C जैसे मैंने आपको बताया, तो ये अपग्रेड इंजन है। तो दोस्तों आप कंसीडर करना चाहो तो इसका पेट्रोल वेरिएंट भी बाय कर सकते हो, अदरवाइज आपको बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप CNG के लिए अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि CNG का माइलेज इतना अच्छा है, जैसे एक 33 का माइलेज अगर आपको लिख के दे रहा है तो ऑन रोड मिक्स करके आपको 26-27 का आपको CNG में गारंटी से ये दे देगी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, प्लीज़ मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।